क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट भाग लेते हैं जिनमें से 84 वोट जो होता है इनवैलिड करार किया जाता है, और जो विनिंग कैंडिडेट है उनको 62% वोट मिलता है और 96 वोट से वो जीत जाते हैं। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है कितने थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इलेक्शन में कितने 84 वोट इनवैलिड होते हैं। अगर मान लें हमें 100 वोट है तो इनमें से वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 84, और में से एक को मिला कितना 62% वोट, तो दूसरे को मिला हुआ कितना 38% वोट। जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट से बता, 24% से जीता है। ठीक है, वैलिड वोट कितना है 100 माइनस 84, 100 माइनस 84 काम 24%, ये किसके बराबर है भाई, 96 वोट्स के बराबर है। तो यहाँ से देखो 4 बार में जाएगा यानी कि, और ये यानी यहाँ बटे में 100 है, आप ये भी ध्यान रखो। ठीक है, 100 100 माइनस 84 जो है वैलिड वोट है और बटे में 100 इक्वल्स टू कितना है 4 है। तो यहाँ से देखो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 प्लस 84, 100 की वैल्यू कितनी आ गई 484। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 484, मैंने 100 मान के रखा था ना वोट्स को। आप इसको अगर 100 में आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको इसको एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, एक्स माइनस का 84 वैलिड वोट्स है, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि एक्स माइनस का 84 का 24% बटे में 100 ये किसके बराबर है, 96 के बराबर है। तो 4 बार में जाएगा और ये हो जाएगा कितना आपका एक्स माइनस का 84 बराबर 400, तो ये हो जाएगा कि आपका एक्स बराबर 484। अगर 100 मानने में दिक्कत हो रही तो एक्स भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।